जन्मों तक साथ रहने की कसम खाने वाले एक पति और कलाई पर राखी बंधवाकर रक्षा का वचन देने वाले भाई ने मिलकर महिला की गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मृतका की मां ने अपने दामाद, बेटे व उसके 2 सालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने हत्यारोपित महिला के पति व भाई को हिरासत में ले लिया है। हमीरपुर जिले में रिश्तों के खून का अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें जायदाद के लिए एक महिला की उसके भाई और पति ने गला दबाकर हत्या कर दी है और फरार हो गए हैं। मृतका की मां ने अपने बेटे और दामाद के खिलाफ हत्या की शिकायत दी है। यह फोटो है 35 साल की सोनी की, जिसकी उसके सगे भाई और पति ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि उन्हें शक था कि मां अपनी जायदाद सोनी के नाम ना कर दे। बस इसी जायदाद के लिए सोनी सिंह के खून से उसके भाई और पति ने अपने हाथ रंग लिए हैं। हमीरपुर जिले में सुमेरपुर थाने के भोनिया गांव के रहने वाले किसान सूरज सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कृष्णा देवी के नाम काफी जायदाद आ गई थी। कृष्णा सिंह की एक बेटी व 2 बेटे हैं। अपनी बड़ी बेटी की शादी कुरारा थाने के शिवनी गांव में जय नारायण के साथ की थी, जिससे सोनी सिंह के 2 बच्चे भी हैं। जय नारायण पत्नी सोनी को ठीक से नहीं रखता था, जिस कारण सोनी सिंह 5 सालों से अपनी मां कृष्णा सिंह के साथ सुमेरपुर के इमलिया मोहल्ले में रह रही थी, जिससे सोनी सिंह के भाई कंचन सिंह को लगने लगा था कि कहीं उसकी माँ बहन सोनी को जायदाद ना लिख दे। बस इसीलिए भाई ने बहनोई से मिलकर बहन की हत्या कर दी। सुमेरपुर थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारे भाई और पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। अशोक कुमार, क्या मामला है? आपके घर में मर्डर हुआ है? एक सोनी नाम की महिला रहती थी अपने 2 बच्चों के साथ में, और उनको पढ़ाती लिखाती थी। उनके रिलेटिव भी आते जाते रहते थे, और अभी सुबह उनके पति और भाई आए थे, उनका आपसी कुछ झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ है मैटर। इसके बाद हमें पता चला तो हम थाने गए, पुलिस को सूचना दी, तो भाई मौके में मिल गया और पति भी मौके में मिल गया। पति और साले ने मिल गए? हाँ। ये आपके यहाँ किराए से रहते? हाँ, किराए से रहते थे। एक मर्डर हुआ है सुमेरपुर में एक महिला का, क्या है मामला, किस वजह से हुई है? देखिए, थाना सुमेरपुर में ये इमलिया चांद थोक जो मोहल्ला है, यहाँ पे एक घर में अभी सूचना मिली पुलिस को कि एक महिला की डेड बॉडी है, और उनका नाम है सोनी और उम्र करीब उनकी 35 साल के आसपास में है, 2 बच्चे हैं इनके, और घर के अंदर ही इनके रूम के अंदर इनकी डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी पे कोई जाहिरा चोट अभी तक दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, तो इसका PM कराया जा रहा है और आगे किस में विधिक कार्रवाई की जाएगी, और PM में जो भी मृत्यु का कारण आएगा उसी आधार पर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। मृतक की मां का कहना है कि उनके लड़के और पति ने मिलकर हत्या की। अभी तक इस तरह का कोई जाहिरा चोट अभी तक जो हमारी जांच में नहीं आया है, तो पोस्टमार्टम के बाद में जो भी मृत्यु का कारण आएगा उसके आधार पर और जो तथ्य प्रकाश में आएंगे जाँच में, और जो उनके द्वारा जो बताया जा रहा है बिंदु, उन पर भी जाँच की जाएगी, तो इन सभी बिंदुओं पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इसमें आगे कार्रवाई कर रही है। जो आरोपी हैं क्या गिरफ्तार हुए? उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एक तो पति हैं और दूसरे उनके सगे भाई हैं, तो पूछताछ की जा रही है, लेकिन जब तक PM नहीं हो जाएगा तब तक हम भी इसमें क्लियर आपको बता नहीं पाएंगे। माता जी बताएं, आपकी बेटी है, किसने क्या मारा, क्या वजह है? बाबूजी, मेरे नाम जमीन है, तो लड़के सोचते हैं कि जमीन कहीं लड़की को ना दे दे, 4 साल से यहीं रखे लड़की को। इसका सौहर सोचता है कि इसकी लड़की वहां जाती है तो गुंडे रखती है, तो हमारी जमीन की वजह से लड़के की साजिश से दामाद ने और 2 सालों ने 4 लोग काल जाके भवनिया में हमला किया, लड़की को दूसरे घर से कुदा के भगाया, तीसरे के घर में रुकी 11 बजे रात तक, आधी रात को मैंने वहां से भगाया लड़की को, और यहां आके पूजा कर रही थी तो आके 2 लोग नीचे खड़े रहे, 2 लोग कहे ऊपर जाओ, और जो कोई बाहरी आदमी जाएगा तुम्हारे साथ में घटना करेगा, तो हम नीचे खड़े हैं, मार के 3 लोग भग गए। और उसका सहुआ कौन कौन थे? कौन कौन थे? जीतू पतारा, मुन्नू सिंह का लड़का बबलू, आशू सिंह पतारा, बालन सिंह का लड़का, क्या करता था दामाद आपका? कुछ नहीं बाबूजी, जब उन खेती रहा था भाई का लोन उठा दे तो
अब भौजाइन की बिटिया का ब्याह करत तो पूरा गाँव गवाह है। 4 साल से बिटिया इन हमारे आसरे टिकी थी। नहीं तो इस घटना में आपका लड़का भी शामिल? हाँ, लड़का साथ में लिवा के लाया है भानोई को। वजह क्या है मारने? वजह मारने का ये है कि माँ कहीं जमीन ना दे दे, लड़कों को मिलना चाहिए, लड़की को यहाँ रखी है तो जमीन ना दे दे। और लड़का सोचता है कि दामाद की हमारे यहाँ नहीं रहती, यहाँ रहती है तो गुंडे पालेगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।